तो वेलकम टू माय ब्लॉग रविता कुंजी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, नाश्ता करने का टाइम है, ब्रेकफास्ट करने का। आज मेरी बेटी ने मुझे सरप्राइज़ दिया है। आने वाली थी वो, परसों पहुँचने वाली थी और अचानक ही पहुँच गई। वेलकम टू होम। छुट्टी में आ गई, नाश्ता कर रही है। आज मैंने चाउमीन बनाया था, तो चाउमीन मैंने ज़्यादा ही बनाया था। मैंने कहा कृष्णा को पसंद आएगा तो बाद में खा लेगा, शाम को कभी अच्छे ही लगता है। कृष्णा मुझसे कह रहा है कि मैं फेस वॉश ख़त्म हो गया, फेस वॉश लेने जा रहा हूँ, बाद में बैग पकड़ के ला रहा है। मैंने कहा अच्छा, इसको मिला नहीं रिजर्वेशन तो बस में आई रही, इसने बताया नहीं मुझे, पहुँच रही है सीधे बिना बताए। आज हल्द्वानी का मौसम, रात से ही खूब तेज़ तेज़ हवा चल रही है, हल्की धूप है। सुबह तो धूप भी नहीं थी, अभी हल्की हल्की धूप आ रही है, लेकिन हवा लगातार चल रही है। अब होली का त्यौहार आने वाला है, काम तो घर में बहुत है, लेकिन काम कहाँ से शुरू करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल तो घर का ही काम चल रहा है, फिर होली का काम भी है, मौसम थोड़ा गड़बड़ ही लग रहा है। थोड़ी देर सुनता क्या, काम है वहाँ जा रही हूँ मैं उसके यहाँ। मौसम आज बहुत ही, मतलब आधी तूफान वाला मौसम हो रहा आज। गर्मी होनी शुरू हो गई थी आज, लेकिन कल रात से थोड़ा सा ठंडा है। सुनता के यहाँ आई हूँ मैं, 1 मिनट बैठने। सुनता मैडम दौबला दौबला ही रहती अच्छी होता था, नींद खाली आँखी लाने। घर तूने पीछे भी, क्या कहते हैं इसको, पीछे भी नहीं पहुंचाया था यार ना, जिस दिन हम लोग आए थे। देखा अभी इतना पहुंच गया ये, दो बार बिना करके इतना कर दिया। अरे जहां से भी कहीं नहीं खतर, इतनी कहीं चो गई एक ना यार, इलाज जो लंगी। देखो मामा के लिए ये आती आती भी कहीं से, मतलब क्या कहते हैं उसको, सेम ऊपर देनी से यहाँ तीजा खलोक ना। पहला वाला फूल चल रहा था, अभी तीसरा फूल में पहुंच गई यार, गजब यार, सुपर फास्ट। ये तीसरा है कि चौथा ले बुबू? तीसरा तीसरा। अच्छा जी की लाश इतनी बढ़िया, मतलब गेम कर रही है, रोई नहीं देता तुम्हें कहीं। उलंग कितना ये आपने दन बीने लला, बहुत ज्यादा बिना का हर छुट्टी में तो बना। अभी भी स्टार्ट कर सकते हो बुबू, कह तो रही है आपके लिए वही बना दूंगी, फिर उसके बाद बीनते रहना। ठीक है, अरे बिजनेस स्टार्ट करो, बेचो। 1 महीने में कितना, कम से कम 3 तो बनाई होंगी 1 महीने में। फूफू तो 15-20 दिन में खत्म कर देता, इससे पहले फूफू ने ये सबसे लेट। वही तो कह रही, 1 महीने में 3 कप बनी। हाँ और तो ये चमगन जोड़ा तो कितना महंगा महंगा आ रहा है आजकल। एक दिन वो नहीं है कि एक्वागार्ड वाला आया था, तो फूफू, पूछा हाँ फूफू से पूछ रहे कि आंटी आप कितने का बेचती होगी। फूफू ने बोला कि मैं इतने इतने का बेचती हूँ। ठीक है फिर मैं ना अगले दिवाली में ले जाऊंगा, कहा उसने, मतलब इस दिवाली में। हाँ मम्मी से, मम्मी को दिखाऊंगा डिजाइन वगैरह, फोटो खींच के गया था ना वो, फूफू ने सारे उसको अपने वो दिखाए थे, ये क्या कहते हैं इसको, क्यमदन। तो कहते कि ठीक है फिर आंटी मैं ना नेक्स्ट उसमें आऊंगा दिवाली के टाइम, उस टाइम खरीद के ले जाऊंगा। अरे ये तो जैसे मार्केट से तो बहुत अच्छा हुआ अपने हाथ का। और ये आजकल ये जो बिहार है ना, ये भी प्योर वाला बहुत पक्का वाला महंगा आ रहा है, 400 रुपए किलो। ये 400 रुपए किलो अच्छा वाला है, ऐसे खाली हल्का वाला नहीं है, हल्का वाला फटाफट टूट जाता है, ये टूटता भी नहीं। सुनता लंच ब्रेक ले रही है तो मैं उसके में थोड़ा हाथ मार देती हूँ। दुख लग जा गई इन सुनता। मैं तो पहले क्या करती थी, ऐसे टेप में गाना ऑन कर देती थी, टेप हमारी फूफू भी ऐसी करती थी, टेप रिकॉर्डर था उनके पास, बढ़िया गाना सुनती धन बना के रखती। एक दिन में फिर रोज नापते थे कितना वाला, एक दिन में इतना इतना बना सकते जाते फूफू थे। तो पुराने जमाने में गाना लगाती थी, पता नहीं कौन कौन से लगाती थी। फूफू कितने फटाफट हाथ चला रही थी। ओ हमारा, मुझे तो कितने साल हो गए यार, इंटर के बाद कहाँ बनाया मैंने। क्या गिरा?
कुछ नहीं वो। जोर से मारो, ताकत लगा के ताकत लगा के मारो कह रही हूँ। जाया बेचारा सही। हाँ टूट जा। अच्छा सही मुझे आया ए बराबर का नका भी कभी ना इसमें ज्यादा मार दिया, ये ऊपर ही रह गया तो यहाँ से टूटता है। अच्छा बराबर लेवल में नीचे बना रहा। किसी को अगर धन देना हो तो बताना भैया, कारीगर बहुत है यहाँ ऑन डिमांड में, फिर राज भी बनाना पड़ेगा ना। हाँ इसको दासवा से कैसे लेके आएगी गाड़ी में? ये अलग अलग होता है ना ये सब पार्ट। अच्छा ये अलग अलग हो जाते हैं, ये अलग वो अलग सब अलग हो गए, बांध के ला रहा जोड़ा, फिर यहाँ पे आके जोड़ा होगा इसको। छोटा खाली कटोरे में मैं दादी बना रही हूँ, मैं भला भिगा के आई हूँ यार। आपने घर में खाना नहीं बना रखा है यहाँ में, छोटा भटकी चुटकाने के साथ कटोरे में खा के जाते सुनता क्या खा रही हूँ मैं भटकी चुटकानी, ठीक खाना खाते से मैं आ गई तो क्या ठीक खाना खाते से मैं आ गई तो बटकी जुटकानी, मूली का अचार, नींबू का अचार, आम का भी अचार, तीन तीन अचार यार, और धूमसा भी टेस्टी हो रहा आम छाटो बन जाएंगे यही वाला छाटो तुम्हारे जम्मी ची छाटो में अंगूरी अंगूरी जनी सा सरबती में टेस्ट आता है यार अंगूरी ना फ्राइड अदरलेकन अगर छाकू फ्राई करेंगे तो 30 किलो आती गिरा था सरबती है। दाना कैसा है इसका, गोल गोल है, दाना है। छोटा छोटा दाना ना, खाजा पलाव सलाव तो बंद करने जिंद मां दंग जिदा बुद बुद दाना दे दिया क्योंकि राइस को गुरु पर दे दे आई मतलब ना आई अंगूरी कभी कभी खाने में अच्छा है, रोज नहीं खा सकती मैं भी इसको, जो सरबती खरीदते हम लोग सरबती जो खाता ना उसको और चीज अच्छा नहीं लगता। क्या मंगाया इसने? टी शर्ट। अरे वाह कौन सा ब्रांड है दिखा दो। सबू ने टी शर्ट मंगाया है ऑनलाइन। अच्छा है सबू, कितने का मिला टी शर्ट? सेम अच्छा है यार, वैसे ना ये वाला ब्रांड अच्छा है। ये क्या है? ये DNMX सबू ने मंगाया ये टी शर्ट ऑनलाइन ओनली 400। वो भी सेल में हो गया पता, वो भी सेल में है तब 400। हाँ सब लिंक भेजा मुझे घर। मैं तो सुनता के यहाँ से बटर छम्मा छाकू खा के आ गई, अब ये बच्चों के लिए मैं फ्राई राइस बना दे रही हूँ क्योंकि बच्चों ने सभी नाश्ता किया था, खाना नहीं खाया था। मैं बल्ब भिगा के गई थी कि बल्ब छम्मा बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी, लेकिन अब देर हो गई तो फ्राई राइस बना देती हूँ और दही के साथ खा लेंगे बच्चे। मसालेदार फ्राई राइस बस बन के तैयार हो गया, मसालेदार फ्राई राइस। बच्चे दही के साथ बड़े चावल के साथ खाते हैं फ्राई राइस, अच्छा लगता है उनको। कभी देर होती है तो फटाफट फ्राई राइस बना दो, बच्चे फटाफट बढ़िया खा लेते हैं। ओके दोस्तों तो आज का वीडियो इतना ही है, व्लॉग मेरा इतना ही है। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कीजिए मेरे अगले व्लॉग का इंतजार। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।